गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी क्या बज रहे हैं 9, और अभी जस्ट मैं उठाऊँ और मैं तुरंत आ गया ऊपर। मैंने ब्लॉग ऊपर छत पे चालू किया है और आज कहीं जाने का हमारा प्लान है बांसवाड़ा, क्योंकि वहाँ पे हमारे कुल देवी है त्रिपुरा सुंदरी, जो 50 किलोमीटर है। और आज हम सभी पूरा परिवार हम जाने वाले हैं, हमारे पापा मम्मी मैं मेरा भैया जीजी हमारे बड़े पापा बड़ी मम्मी सब उनके घर वाले भी सब जा रहे हैं आज, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। उसके पहले हम सब नहा के रेडी हो जाते हैं, तो अभी चलते हैं नीचे और नहा के रेडी और फिर निकल लेंगे ब्रेकफास्ट करके। और गाइस 10 बजे तक गाड़ी आ जाने वाली है, फिर सभी निकल लेंगे और बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। तो आपको मैं पूरा व्यू दिखाऊंगा, वहाँ का ज़बरदस्त व्यू है। तो गाइस मेरे अभी डेली ब्लॉग आने वाले हैं, क्योंकि अभी शादियाँ वगैरह हैं 12, 13, 14 बुआ के लड़के की शादी है। तो गाइस बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ नहा के, और अभी हम निकलने वाले हैं त्रिपुरा सुंदरी के लिए। स्वेटर वगैरह टोपी वगैरह पहन लिया है, क्योंकि ठंड लगेगी इसलिए सेफ्टी रहना ज़रूरी है। गाइस फाइनली गाड़ी भी आ चुकी है, फिर यहाँ से सभी बैठ के हमारे बड़े पापा के घर पे जाएंगे, सभी को लेके फिर त्रिपुरा सुंदरी जाने के लिए निकल। मस्त लग रही है, ओ शानदार नहीं लग रही है? लग रही है। तो गाइस एक बार भगवान को प्रणाम कर ले। अरे चलो यार, मैं दरवाजे बंद कर। मम्मी भी प्रणाम कर रही है। गाइस हम फाइनली त्रिपुरा सुंदरी जाने के लिए निकल गए, और यहाँ से अभी हम बड़े पापा के घर पे जाएंगे, फिर वहाँ सबको लेके चले जाएंगे। बड़े पापा का घर आ चुका है, बड़े पापा भी बाहर ही खड़े हैं और मम्मी अंदर खड़ी है और भैया का है बता। तो गाइस हम सही तरीके से बिरोडा से त्रिपुरा सुंदरी तक आ चुके हैं। मैंने आपको रास्ते का व्यू नहीं दिखा, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे खड्डे थे, इसलिए मोबाइल हिल रहा था, इसलिए मैंने कुछ व्यू नहीं दिखाया। तो हम त्रिपुरा सुंदरी पहुंच चुके हैं, सब कंगाल लेके हम निकल लेंगे अंदर की ओर मंदिर के। गाइस हमारे सबसे छोटी बुआ हैं और दीदी भैया हमारे बड़े भैया सब खड़े हैं यहाँ पे। तो गाइस अब अभी हम जाने वाले हैं इस मंदिर के अंदर, जो कि ये वाला मंदिर हमारे कुल देवी है पंचाल समाज की। तो अभी इसके अंदर हम एंट्री करने वाले ही हैं। इसमें वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, बट तो भी मैं बना रहा हूँ, थोड़ी सी बनाऊँगा, ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा। और अभी हम हमारे दीदी की लड़की यशस्वी को अंदर ले गए हैं महाराज जी, क्योंकि वहाँ पे टीला वगैरह धागा बांध के वापस लाएंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा वहाँ टीला किया अभी। और अभी हार भी पहना रहे, हार पहना दिया फाइनली। और हमारी बुआ लेके आई, हमारे सामने देख रहे हैं यहाँ पे। और अभी पापा जी धागा बनवा रहे हैं यहाँ पे, आप हमारे कपिल भैया। अब मेरी बारी आएगी। और गाइस आपको झूमर दिख रहा होगा कितना प्यारा लग। फाइनली दर्शन हो चुके हैं और बाहर आते ही फोटो शूट स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी मम्मी फोटो शूट करवा रही हैं। यशस्वी यशस्वी फाइनली गाइस दर्शन सब कुछ हो चुका है और अभी घर पे जाने के लिए हम निकल रहे हैं। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं त्रिपुरा सुंदरी से हमारे घर पे, बिल्कुल 3 बजे हम घर पे पहुंच चुके हैं। और मैं अभी हाथ पैर धो के अभी यहाँ पे बैठा हूँ जस्ट, और बहुत तगड़ी वाली भूख भी लगी, क्योंकि सुबह को ओनली सुबह ब्रेकफास्ट किया था, ब्रेकफास्ट में पोहे थे और लंच हमने किया नहीं है, अब डिनर करना है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा खा के फिर बुआ के घर पे जाना, क्योंकि शादियाँ है। तो 13 तारीख को शादी है, 12 तारीख को बिनोला है और 14 तारीख को रिसेप्शन है, पर आज 11 तारीख है, तो आज भी हमको बुलाया है, तो आज सब वहाँ पे जाने वाले हैं। तो मम्मी अभी खाना बना रही है, फिर खाना थोड़ा सा खा के फिर हम सभी सब पूरा परिवार वाले दोनों घर वाले
चले जाएंगे जेठाना 9 बजे तक आएंगे यार 9 बजे। और गाइस मैंने रास्ते का कुछ व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि रास्ते में इतने सारे खड्डे थे, मैं ऐसे वीडियो चालू करने वाला हूँ तब पर खड्डे आ जाते तो पूरा कैमरा ही हिल जाता था, इसलिए मैं रास्ते का व्लॉग नहीं बनाया। मैंने पूरा त्रिपुरा सुंदरी का मैंने व्लॉग बनाया है। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना।